हेलो एवरीवन, तमितास किचन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही स्वादिष्ट सूप। और इस सूप को बनाने के लिए हमने जो इस्तेमाल किया है, हमने स्वीट कॉर्न का इस्तेमाल किया है और उसके साथ हमने टोमेटो का इस्तेमाल किया है। फ्रेश टोमेटो और स्वीट कॉर्न से ये सूप बन करके तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा। और इस सूप को बनाने के लिए हमने कॉर्न स्टार्च यूज़ नहीं किया है, हमने बिल्कुल इसको नेचुरल तरीके से बनाया है। और ये बनने के बाद खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाला है। आइए बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनता है ये सूप? स्वीट कॉर्न टोमेटो सूप बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले स्वीट कॉर्न। तो मैंने ये स्वीट कॉर्न को लगभग एक बाउल लिया था, इसका आधा मैंने उबाल कर लिया है। उबालने के बाद आधा इसको पीस लिया है और आधे इसके दाने बचा लिए हैं। दो टमाटर लिए हैं, इनको भी उबाल लिया है। इसको अभी पीसना है मिक्सर में। इसके साथ मैंने लिए 3 से 4 लहसुन की कली, उसको बारीक काट लिया है। अदरक लिया है लगभग 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, उसको बारीक काट लिया है। 2 पिंच यहाँ पर काली मिर्ची है, थोड़ा सा नमक है और थोड़ी सी पत्ता गोभी है। तो सबसे पहले सूप बनाने के प्रोसेस के पहले ये टमाटर हम पीस लेते हैं। और हमने ये टमाटर को पीस लिया है और अब सूप बनाने की प्रोसेस शुरू करते हैं। तो हमने यहाँ पर एक पैन गरम रखा है और इसमें हम डाल रहे हैं 1 चम्मच बटर। बटर को हल्का पिघलने दे रहे हैं। बटर हल्का सा पिघल गया है, अब हम इसमें डाल रहे हैं ये लहसुन जो हमने काट करके रखे थे, और इसको इसमें हल्का सा कुक होने देंगे। इसको हल्का सा इसका कलर चेंज होने देंगे। इसके साथ हम डाल रहे हैं अदरक जो हमने काट करके रखे थे। इसी के साथ डाल रहे हैं हम ये पत्ता गोभी। पत्ता गोभी ऑप्शनल है, अगर सीजन हो पत्ता गोभी का तो ठीक है, नहीं तो आप पत्ता गोभी को हटा भी सकते हैं। और एक बार इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे और सब्जियों को हल्का सा कुक होने देंगे। और देखिए सब्जियां अच्छे से कुक हो रही हैं। और हम ये जो सूप बना रहे हैं इसमें हम लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हरी मिर्च का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे, क्योंकि सूप में मैं काली मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप हरी मिर्च अगर पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, पर कई बार हरी मिर्च से सूप एकदम तीखा लगने लगता है, तो मैं हरी मिर्च का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। ये नॉर्मल सूप है और इसके साथ मैं इसमें कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल भी नहीं कर रही हूँ, इसीलिए मैंने जो कॉर्न है उसको पीस करके ले लिया है। तो ये अब हल्का सा कुक हो गया है, अब हम इसमें डाल रहे हैं ये कॉर्न जो हमने उबाल करके रखे थे। और कॉर्न को भी हमें लगातार चलाना है, 1-2 मिनट के लिए इसी में कुक होने देना, सब्जियों के साथ ये भी कुक होता रहेगा। और इसको लगातार चलाते रहना है इस तरह से। वैसे तो ये कुक भी है, इसको कुक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सूप बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होता है। तो इस सूप को आप मानसून में और ठंडियों में इंजॉय कर सकते हैं। जब कॉर्न का सीज़न हो तब आप इसको इंजॉय करें तो बहुत ही अच्छा लगता है पीने में। तो ये अब अच्छे से कुक हो गई हैं सब्ज़ियाँ। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये टोमेटो जो मैंने पीस करके रखा था। और टमाटर डालने के बाद इसको लगातार ऐसे चलाते रहना। एक 2 मिनट इसको इसी में चलाते रहना है। और इसको लगातार 1 मिनट तक मैंने चला लिया है। अब मैं डालूंगी इसमें ये जो पिसा हुआ कॉर्न है इसको डालेंगे, क्योंकि हम इसमें कॉर्न स्टार्च नहीं डाल रहे हैं, तो इसको हल्का सा जब पानी डालेंगे तो ये इसमें अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए। तो इसको अच्छे से डाल करके एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं इसमें। और देखिए इसको मैंने अच्छे से मिला दिया है। और अब हम इस स्टेज पे डाल रहे हैं इसमें पानी। 1 बाउल मैंने इसमें भी पानी डाल दिया है और एक बार इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे पानी के साथ अच्छे से चलाते हुए। और 1-2 मिनट इसको इसी तरह कुक होने दिया मैंने। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अकॉर्डिंग टू टेस्ट सॉल्ट और 2 पिंच जो मैंने काली मिर्च लेके रखी थी वो। और इसी के साथ मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा करी लीव्स, 5 से 7 पत्ते। और एक बार थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ। और एक बार इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको अच्छे से उबलने देना है। उबलते हुए अच्छे से और गाढ़ा हो जाएगा और ये लगभग 3 से 4 मिनट के बाद रेडी हो जाएगा। तो गैस का फ्लेम जो है मेरा मीडियम है और इसको अच्छी तरीके से कुक होने देते हैं, उबलने देते हैं। और देखिए मैंने 5 मिनट इसको बिल्कुल मध्यम आँच में अच्छे से चलाते हुए कुक कर लिया था। और ये सूप का कलर देखिए कितना अच्छा आया है। और ये बिल्कुल बन करके रेडी है। अब मैं गैस को ऑफ़ कर रही हूँ और इसको सर्व करती हूँ।
देखिए कितना अच्छा सा कलर आया है, बिल्कुल जैसा स्वीट कॉर्न का हमारा कलर होता है वही कलर आया है। और इसको इसी तरह से मैंने गाढ़ा गाढ़ा बनाया है। अगर आपको थोड़ा सा और पतला करना हो तो आप जहाँ पर मैंने 2 बाउल पानी डाला था आप उसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर सकते हैं, पर ये ऐसे ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये बिल्कुल बन करके रेडी है और अब हम इसमें डाल रहे हैं, ये थोड़ी सी मैंने पत्तियाँ लेकर के रखी थी अदरक की, तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और अगर आपके पास प्याज की पत्तियाँ अवेलेबल हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर धनिया पत्ती अवेलेबल हो तो वो भी डाल सकते हैं। और ये बहुत ही टेस्टी स्वीट कॉर्न और टमाटो सूप बन करके रेडी है, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है हम सभी के लिए। तो आप भी इस तरह से बना करके इंजॉय कर सकते हैं अपने घर पर। और देखते रहिए मेरा चैनल डिशेज विद नमिताज किचन। थैंक यू एवरीवन।